नमस्कार, मेरा नाम रितिका शर्मा है। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कन्ना शिड़काल की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको बच्चों के कुछ अधिकारों के बारे में बताना चाहती हूँ। जी हाँ, बच्चों के अधिकार। मैं आपको सबसे पहले बच्चे की परिभाषा बताना चाहती हूँ। संविधान के मुताबिक वह पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष और वह महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे बच्चे की श्रेणी में रखा जाता है। 3rd संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रह सके, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसमें 18 वर्ष से कम बच्चे की शादी करना एक कानूनी अपराध है। दूसरा, किशोर न्याय अधिनियम 2000। इसमें बच्चे की देखभाल और संरक्षण करने का प्रावधान है। तीसरा, बाल यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012। यह अधिनियम बाल यौन दुर्व्यवहार को दंडनीय मानता है। किसी शायर ने खूब कहा है, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये जो नन्हे फूल खिले हैं भगवान को लगते हैं प्यारे। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि बच्चों के बचपन को छीनने की कोशिश ना करें, उनके अधिकारों की सम्मान करें। धन्यवाद। तो